आर्थिक राजधानी मुंबई में फर्जी कॉल सेंटर के जरिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ठगी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, जिसका खुलासा किया है मुंबई पुलिस की अपराध शाखा यूनिट 11 की टीम ने। बताया जा रहा है कि शेयर बाजार में निवेश कर ज्यादा मुनाफा कमाने का लालच देकर कथित कॉल सेंटर के जरिए देश के साथ साथ खाड़ी देशों के लोगों को भी ठगी का शिकार बनाया जाता था। फिलहाल क्राइम ब्रांच यूनिट 11 की टीम ने ठगी के आरोप में दोनों कॉल सेंटर के मालिकों को गिरफ्तार कर लिया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने पाया कि कॉल सेंटर में तकरीबन 75 के आसपास कर्मचारी काम कर रहे थे, जो सीधे सीधे वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए खाड़ी देश के लोगों को संपर्क कर रहे थे। कांदिवली क्राइम ब्रांच ने जिन दो कॉल सेंटर के मालिकों को गिरफ्तार किया है उनका नाम गिरिराज नवरत्न दमानी उम्र 39 साल और आदित्य विक्रम महेश्वरी उम्र 40 साल। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों की यदि माने तो मुंबई के मलाड पश्चिम में इस अवैध कॉल सेंटर को संचालित किया जा रहा था। जिन दो कॉल सेंटर पर कार्रवाई की गई है उनमें से एक कॉल सेंटर गोल्ड लाइन बिजनेस सेंटर में है, जो जबकि दूसरा यूरेका टावर्स चिंचौली बंदर में है, जो मलाड पश्चिम में आता है। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ के दौरान कॉल सेंटर के कर्मचारियों और मालिकों ने कहा कि उन्होंने कथित तौर पर भारतीय नागरिकों के साथ साथ खाड़ी देशों के लोगों को उन्होंने टारगेट किया। वीओआईपी के माध्यम से ये कॉल करते थे और सिंगापुर से कॉल करने का दावा करते थे। इसी के चलते इन्हें शातिर नटवर लालों ने भारतीय मूल के लोगों को और खाड़ी देश के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए राजी कर लेते थे और उन्हें अपनी ठगी का शिकार बनाया करते थे। तो कुल मिलाकर फर्जी कॉल सेंटर के जरिए आर्थिक राजधानी मुंबई में धड़ल्ले से चल रहा था नटवर लालों द्वारा ठगी और जालसाजी का गोरख धंधा। मुंबई में कॉल सेंटर के माध्यम से इंडियन और गल्फ लोगों को अलग अलग नेशनल इंटरनेशनल ट्रेडिंग में आप इन्वेस्टमेंट करो और उसके माध्यम से आपको काफ़ी मुनाफा मिलेगा, इस तरह का लालच दिखा के ठगी करने वाली, इस संबंध में काम करने वाली कॉल सेंटर के बारे में जानकारी चलने के बाद क्राइम ब्रांच यूनिट 11 के PI विनायक चौहान और उसके टीम ने बांगो नगर पुलिस स्टेशन के इलाके में दो जगह पे रेड का आयोजन किया था, जिस रेड में गोल्ड लाइन बिजनेस सेंटर और यूरेका टावर, इस दो जगह पे रेड की गई थी। दोनों भी मालाड पश्चिम के इलाके में हैं। यहाँ पर रेड करने के बाद में पता चला एक जगह पे 35 और एक जगह पे 40 कर्मचारी लोग वहाँ पे काम कर रहे थे, अलग अलग व्यक्तियों को कॉलिंग कर रहे थे। इसमें उनकी जो मोडस थी वह यह थी 70trades.com इस नाम की वेबसाइट है, इसके माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से नेशनल इंटरनेशनल ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की जाती है। इसके एडवर्टाइज अलग अलग सोशल मीडिया पे इसको की जाती थी। इंटरेस्टेड व्यक्ति जो ज़्यादातर इंडियन और गल्फ में रहने वाले इंडियन, इनको इस तरह की इन्फॉर्मेशन पोस्ट की जाती थी। उसमें जब अपनी इन्फॉर्मेशन वो इनपुट डालते थे इंटरेस्ट दिलाने के बाद में, अपना नाम नंबर और बाकी डिटेल्स भरते थे, तो इनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ के कॉल सेंटर को आती थी। फिर यहाँ के कॉल सेंटर के व्यक्ति उनको फ़ोन कर इस स्कीम